गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग हमारे जीओसी का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं वो हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग एक जनरल बात समझते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्कीन्स और एल्काइन्स, यानी कि जो बेसिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर, इनको हमने कहा था कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी पेरेंट कार्बन कंपाउंड्स, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको हम लोग जनरली आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आर एच में आर क्या है, आर को कहते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और एच मतलब हमारा हाइड्रोजन। अभी एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, जैसे कि CH3, इसमें मैंने जोड़ा एक H, तो ये CH3 जो है ये मेरा R है। यहाँ पे इसका नाम है, मैंने कहा एल्काइल, एक कार्बन है। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरह से हम लोग एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, लेकिन 10th में हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि एक कार्बन होता है तो उसको मेथ से लिखते हैं, MeTH से। तो यहाँ पर अगर हम मेथ जोड़ूँ तो ये बनेगा मिथाइल, है ना। सिमिलरली अगर CH3 CH2 और इससे मैं एच जोड़ दूं, तो वैसे ये पूरा कंपाउंड क्या है, ईथेन है। दो कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दो के लिए एथ, एल्केन के लिए एन। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप को बात करूं तो ये मेरा आर है, यहाँ पे आर एल्काइल चेन है मेरी, तो इसको मैं बोलूंगी इथाइल, ठीक है। तो इसी तरह से जो कार्बन चेन होती है उसे हम लोग R से डिनोट कर देते हैं। बेसिकली R हमारी कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है और H हमारा हाइड्रोजन है। तो ये हमारे बेसिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बेसिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है। ये हमारा पेरेंट फॉर्मूला है, दैट मीन्स अब जो भी कंपाउंड है ना वो इन्हीं से डिराइव होंगे, ये पेरेंट है, ठीक है। यहीं पर हम लोग कुछ तिकड़म बिठाएंगे, कुछ इधर उधर करेंगे एटम्स को और हमारे दूसरे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब समझो इस बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं इस आर एच में से हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दूं माइनस एच, तो भाई यहाँ पे जो कार्बन होगा इस एल्काइल चेन का आखिरी कार्बन जो होगा वो तो 3 वैलेंसी से जुड़ा होगा, पर उसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन हट चुका है। तो उस वैलेंसी को हम लोग उसको पूरी तरह से सस्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप जोड़ेंगे। कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, लेट्स से जी, ठीक। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एच तो निकल के पीछे क्या बना, आर जी। ये हमारा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, डिराइव्ड कंपाउंड, क्यों, क्योंकि हमने इसको डिराइव किया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो ये हमारा डिराइव्ड कंपाउंड है। अभी आर जी जो है, इस आर जी के अंदर आर है हमारे एल्काइल चेन सेम, इसको तो हमने बदला नहीं, पर ये जी क्या है, ये जी ही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या है जी, हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हमें समझ आया कि हाइड्रोकार्बन में से हमें हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई ग्रुप उसकी जगह जोड़ दे तो हम लोग जानते हैं कि वहां क्या बनेगा, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा और वो एक डिराइव्ड कंपाउंड बन जाएगा और उसको हम उस नाम से जानेंगे जिस नाम का हमने ये ग्रुप लिया है, ठीक है। अब समझते हैं इसमें आर जी करता क्या क्या है। आर जी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के अलग अलग काम है, मतलब ये जी, इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, नाम से ही समझो, ऐसा ग्रुप जिसकी कोई फंक्शनिंग हो स्पेसिफिक, जो हमारे कंपाउंड में जुड़कर उसकी फंक्शनिंग को बदल दे, ऐसा ग्रुप होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं ये, ठीक है। यानी कि अगर ये जुड़ गया ना, तो मान लो इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी है, ये ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। हम ले लेते हैं स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी, लेट्स सी, एसिडिक है ना, ये ग्रुप एसिडिक है। अब बताओ ये ग्रुप क्या चीज होगी, ये ग्रुप या तो एक एटम होगा, ठीक है ना, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, यानी एक मॉलिक्यूल होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस ग्रुप की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है ये एसिडिक हो सकता है ये बेसिक हो,
है ना। तो वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इस ग्रुप की ही है सिर्फ, जब ये ग्रुप इस एल्काइल चेन से जुड़ा, अब वो केमिकल प्रॉपर्टी इस पूरे कंपाउंड की हो गई, इस पूरे हाइड्रोकार्बन की हो चुकी है। आ रही है बात समझ में? यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारे हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी उस ग्रुप की है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अभी हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो ये एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये सी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इस ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर ये एसिडिक नेचर का होता है। अब ये जब मेरी एल्काइल चेन से, किसी भी एल्काइल चेन से जब जाके जुड़ जाएगा, तो ये पूरा कंपाउंड अब क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जो जी होते हैं, ये हमारी हमारे कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर ले लग जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस करेंगे। यानी कि हमारा कंपाउंड जो केमिकल रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एटम के साथ या कंपाउंड के साथ, तो किस तरह से रिएक्ट, किस तरह से रिएक्ट करेगा, जिस तरह से ग्रुप उसे करवाएगा। अगर ये ग्रुप एसिडिक होगा तो अलग तरीके से करवाएगा, बेसिक होगा तो अलग तरीके से करवाएगा। आई बात समझ में? तो ये होती है बात हमारे फंक्शनल ग्रुप की। लेकिन जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मैंने पहले ही बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब अभी भी हमारे एल्काइल चेन पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, वो अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये, आर पर डिपेंड कर रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है, जी पर डिपेंड कर रही है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमारे उस कंपाउंड की, हाइड्रोकार्बन की जिससे वो जुड़े हैं, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात समझ में? ये होता है फंक्शनल ग्रुप्स। अब मेन हमें जो समझना है वो है कि फंक्शनल ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह सब समझने हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो आप पार्ट देखोगे, ये पार्ट हम लोगों ने पहले शूट किया था, क्योंकि उसमें बोर्ड में मुझे काफ़ी कुछ लिखना था, तो मैंने उनको पहले लिख लिया था अच्छे से, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन और ये जो पार्ट मैं बोल रही हूँ, ये मुझे बाद में शूट करना था, लेकिन किसी कारण से बाद में लाइट चली गई और मैं ये पार्ट शूट नहीं कर पाई, तो मैं ये पार्ट अभी शूट कर रही हूँ। जो आगे आप लोग पार्ट देखोगे वो हमने कल शूट किया था। तो चलिए समझते हैं कि हमारे पास में किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कितने वैरायटी के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, उनकी प्रायोरिटी किस तरह से होती है, उनके प्रीफिक्स किस तरह से होते हैं, उनके सफिक्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सारी बात हमें फंक्शनल ग्रुप में जाननी है, और ये सारी बातें याद करने के लायक है, मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब याद करना है, प्रायोरिटी भी याद करनी है, उसको एक सीक्वेंस में याद करना है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रायोरिटी हमें याद होती जाएगी, प्रीफिक्स सफिक्स मस्ट है याद करना, वरना IUPAC में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम इनका स्ट्रक्चर भी याद करना है, क्यों, क्योंकि हम जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो सारी रिएक्शन के स्ट्रक्चर पे ही तो बेस्ड होंगी, तो हमें ये सारी चीजें याद करनी है। तो इस टेबल को आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाएं, और इसे जैसे जैसे हम लोग कंपाउंड्स लेंगे तो इस टेबल को अपने साथ रखें, और इस टेबल का यूज करते हुए हम लोग IUPAC नेमिंग देखेंगे। इसके कारण क्या होगा, आप लोगों को धीरे धीरे टेबल याद हो जाएगी, और फिर आप लोग एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं। पहला कंपाउंड है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, इनको आप किंग की तरह समझ सकते हैं, राजा की तरह समझ सकते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आके जुड़ गए, दैट मींस वो रिंग, पहली चीज तो मतलब वो चेन, रिंग और चेन हम लोग दोनों की बात कर लेंगे, मेरे मुंह से रिंग निकल रहा है, चेन बेसिकली, उसकी नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। अब नंबरिंग क्या होती है, पहली चीज हम लोग 10th में ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी हमारी चेन को IUPAC नेमिंग देते हैं, तो हम उसमें नंबरिंग करते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अगर COOH ग्रुप के अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे हम लोग जो नंबरिंग है वो इसी ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, कंपल्सरी याद कर लो, कोई आपको घूमने की जरूरत नहीं है। जहाँ COOH देखा, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। आगे देखेंगे कि भाई किस तरह लंबी चेन बन रही है, कौन से ग्रुप को कैसे देना है, वो बात अलग है, ठीक है। यानी ये एक सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, ये किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इसको सबसे ज्यादा इज्जत दी जाएगी, बाकी सब कंपाउंड्स को हम लोग साइड में रखेंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, COOH, क्या होता है COOH।
अब यहाँ पे सी के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, यहाँ पे इस बॉन्ड का क्या मतलब, इस बॉन्ड का मतलब ये है कि जो मेरी जो आर हमने अभी देखा था, ठीक है, उस आर से आगे जो ग्रुप जुड़ रहा था, जी हमने देखा था, ठीक है, ये ग्रुप किस साइड से जुड़ेगा, वो इस साइड से जुड़ेगा। ये बॉन्ड इसका खाली है, यहाँ से आके वो ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पे, यानी आर है तो सी ओ एच ऐसे जुड़ेगा कार्बन की साइड से, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने हैं ना हमें, एकदम से बीच में ऑक्सीजन तो ला नहीं सकते, हाइड्रोकार्बन पड़ रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे। आगे आएंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें हम ऑक्सीजन भी जोड़ेंगे, लेकिन हम कंपाउंड की फिर नेमिंग करने का तरीका, रिएक्शन करने का तरीका बदल जाएगा। अरे ये बात समझ में, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार हटा देते हैं। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है इसका कार्बोक्सी, क्या होता है कार्बोक्सी, ठीक है। प्रीफिक्स इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको है, इससे ऊपर कोई बैठा नहीं, तो ये क्यों प्रीफिक्स की तरफ जाएगा। एक बात याद रख लो, मैं बता रही हूँ, लिख लो इसको, जिसकी प्रायोरिटी हाई उसका सफिक्स यूज होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो उसका प्रीफिक्स यूज होगा। आ रही है बात समझ में, क्या बोल रही हूँ मैं, जिसकी प्रायोरिटी हाई है उनके सफिक्स यूज होंगे, यानी कि अगर प्रायोरिटी ज्यादा है मतलब इज्जत ज्यादा है, समझ सकते हो इसको, इज्जत ज्यादा है, और इज्जत ज्यादा है तो कंपाउंड को नाम उन्हीं के नाम पे दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और लेट्स से एस्टर प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इज्जत किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कंपाउंड को नाम भी किसके नाम पे दिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम। तो अगर नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे दिया जा रहा है, दैट मीन्स वहां सफिक्स यूज किया जा रहा है, प्रीफिक्स हम लोग पहले यूज कर ले रहे हैं, मेन कंपाउंड के साथ किसका नाम जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और वहां कौन जुड़ेगा, सफिक्स जुड़ेगा, प्रीफिक्स नहीं जुड़ेगा, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीफिक्स हम लोग यूज नहीं करते, फिर भी इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है, ठीक है। सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड, क्या दिख रहा है, ओ आई सी, ओइक एसिड, यानी जो भी मेन नेम होगा ना उसके पीछे ओइक एसिड एज इट इज जुड़ जाएगा और फिर उसका नाम बन जाएगा, ठीक है। एक और इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्यों, कब, कैसे यूज करते हैं इसको, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में यानी कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर तीन ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, यानी तीन सी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर तो हम लोग हर बार बनाएंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे, तो अगर किसी कंपाउंड में तीन प्रेजेंट है ऐसे कम ग्रुप, तो फिर हम लोग ओइक एसिड यूज नहीं करते, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज करते हैं। मैं बताऊंगी डिटेल में, अभी मैं आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग किस तरह से की जाती है, कैसे कैसे केसेस मिल सकते हैं जहाँ पे हम लोग नंबरिंग करने के तरीके या फिर नेमिंग करने के तरीके बदल देते हैं, सब जानेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एच। अब आप कहोगे एच टू एन प्लस वन का क्या केस है, वह हम लोग जानते हैं एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू, पढ़ा था पिछले लेक्चर में, नहीं पढ़ा तो वापस जाके एक बार लेक्चर को देख ही आए, बहुत बेसिक बात बताई है हमने एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सी एन एच टू एन प्लस टू हमारे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या कहा था, जब हमारे पास में आर एच था, इसे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला था और इसकी जगह पे ग्रुप जोड़ा था, तो वो एक हाइड्रोजन जो निकला, तो यहाँ पे एच टू एन प्लस टू में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो पीछे क्या बचेगा, एक ही हाइड्रोजन बचेगा ना यहाँ पे, दैट इज एच टू एन प्लस वन, और उस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कौन जुड़ा, सी ओ एच जुड़ा। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी। अब नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास में सल्फोनिक एसिड्स, ये ग्रुप रेयर मिलता है, मतलब ज्यादा हम इसको देखते नहीं है एग्जाम्पल्स के अंदर, इसकी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद आता है, मतलब प्रायोरिटी है इसकी, इज्जत है, पर ये ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, ज्यादा इसको पॉपुलर नहीं है, इज्जत इसकी बहुत है पर पॉपुलर ज्यादा नहीं है। अरे ये बात समझ में, सल्फोनिक एसिड एस ओ थ्री एच, क्या फॉर्मूला है इसका, एस ओ थ्री, तीन ऑक्सीजन दिख रहे हैं और एच, ठीक है, दो ऑक्सीजन साथ में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और यहाँ से ये अपना ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। प्रीफिक्स इसका होता है सल्फो, जो कि हम लोग सेम यूज नहीं करते, लेकिन यूज करने की जरूरत कब आएगी,
जब ये और ये दोनों साथ बैठे होंगे तो इज्जत किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी, तब इसका प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, सफिक्स इसका होता है एज इट इज सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड हम लोग इसे जोड़ देंगे। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+1SO3H, सेम एक हाइड्रोजन को हटा के SO3H हमने जोड़ दिया। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर, ये है हमारा एस्टर। क्या नाम है इसका? एस्टर। इसका स्ट्रक्चर होता है COOR। क्या होता है इसका? COOR। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि R क्या है हमारा? एल्काइल ग्रुप है, यानी कार्बन की चेन है। यहाँ इसको कौन जुड़ने वाला है? कार्बन की चेन जुड़ने वाली है, यानी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ने वाला है। यहाँ भी कौन जुड़ा है? एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यानी ये एक ग्रुप बीच में है COO। R भी इसी का पार्ट है, बट हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड एल्काइल चेन प्रेजेंट होगी, इसलिए थोड़े से इंटरेस्टिंग है। इनका नाम लेने का तरीका भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको आराम से सीखेंगे, एकदम इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर जुड़ेगा यहाँ पे। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी और सफिक्स होता है ओएट। अब एक बात समझो, एल्कोक्सी और ओएट ये दोनों ही अलग अलग तरीके से नाम में आते हैं हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में हम एल्कोक्सी को भी यूज कर लेते हैं और ओएट को भी यूज कर लेते हैं, तो कभी कभी हम लोग एल्कोक्सी यूज करते हैं नाम देने में, तो नाम अलग तरीके से दिया जाता है, और कभी कभी हम लोग सफिक्स यूज करते हैं इसका, ओएट यूज करते हैं, तो नाम अलग तरीके से दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? इसको आप मेन याद रखो, ओएट को। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। भाई आर और आर डैश क्या है? भैया आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं। आर और आर डैश कार्बन की चेन है, जैसे दो कार्बन की चेन, तीन कार्बन की चेन, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, तो ये एल्काइल चेन है, ये भी एल्काइल चेन है, दोनों सेम हो सकती है, दोनों तीन कार्बन की प्रोपाइल हो सकती है, दोनों इथाइल हो सकती है, और डिफरेंट भी हो सकती है। नाम करने के तरीके एक जैसा ही रहता है, नाम देने का जो मेथड है वो एक जैसा ही रहता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड क्या था? COO, सी डबल बॉन्ड ओ OH। एसिड हैलाइड क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ CL, या फिर सी डबल बॉन्ड हम लोग X लिखते हैं, चलो CL नहीं लिखेंगे हम लोग, X लिखते हैं, जो हमारे हैलाइड्स का जनरल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, हैलाइड्स को X से डिनोट करते हैं हम। X यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, X है यहाँ पे, एसिड हैलाइड्स ही होगा इसका। ठीक है, अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स इसका होता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल, तो हेलो कार्बोनिल, हेलो मतलब हेलोजन। अब हेलोजन है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हेलो लिखा है, यानी कि अगर ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। हेलो, आ रही बात समझ में? यानी उनके पीछे ओ लग जाएगा, ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो आयोडो। ठीक है, हेलो देन कार्बोनिल। ठीक है, ऑयल हैलाइड ये इसका सफिक्स है, यानी जो भी नाम है उसके पीछे हम ये ओ वाई एल लगाएंगे, और फिर हैलाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, जो भी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। एक्स है हमारे पास में, ये सी आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ठीक है, आर हमारी वापस से एल्काइल चेन। फिफ्थ आता है हमारे पास में अमाइड। अमाइड है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, नाइट्रोजन एंट्री हमारी है इस बार, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बेनॉइल, जो काम में नहीं आता, मतलब मैंने इसको कभी काम में नहीं लिया अपनी स्टडीज के दौरान। इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, वो भी कम काम आता है, अमाइड। क्या? अमाइड, ये इसका मेन सफिक्स है, ये हम लोग ज्यादा काम में लेंगे, तो अमाइड को हम लोग याद रखेंगे। ग्रुप का नाम भी अमाइड है, सफिक्स भी इसका अमाइड है। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। अब हम देख पा रहे होंगे कि अगर मैं सल्फोनिक एसिड को मैं हटा दूं, इसको छोड़ दूं, तो ये 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 और ये, एसिड एस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड, इन चारों के अंदर एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ एक ग्रुप अलग बदल रहा है, एसिड में यहाँ ओ एच आ जा रहा है,
एस्टर में यहाँ ओ आर आ जा रहा है, एसिड हैलाइड में एक्स आ जा रहा है और अमाइड में यहाँ एनएच टू आ जा रहा है। तो ये तो एसिड है, मैंने क्या कहा ये तो राजा है, ये तो बदलेगा नहीं। ये सारे जो है ना ये इसके चेले हैं, राजा के चेले, यानी एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड्स हमने OH निकाला, X डाला तो ये बना, OH निकाला OR डाला तो ये बना, OH निकाला NH2 डाला तो ये बना। क्या है ये? राजा के चेले हैं। इनको याद रखना कि हमारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड से हमने इन्हें डिराइव किया है। एसिड तो राजा था, एसिड तो एब्सोल्यूट था, इसमें हमने अलग अलग ग्रुप्स डाल दिए और यहाँ पे हमारे बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स बन गए। आई बात समझ में? अब ये जो पांच है ये टॉप फाइव है, टॉप फाइव, ठीक है। टॉप फाइव में आते हैं ये, इनके प्रीफिक्स बहुत ही रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं, मतलब मगर इन्हीं के बीच में कंपाउंड बन जाए, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कभी बनेगा ही नहीं, प्रीफिक्स कभी यूज करेंगे ही नहीं हम। इनके तभी बनेंगे जब इन्हीं के बीच में कंपाउंड हो, मतलब यही ग्रुप्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो हम लोग ऊपर नीचे से भाई इनके प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे इन पांच के अलावा तो इनके तो सफिक्स ही यूज होंगे हमेशा, प्रीफिक्स उनके यूज होंगे, तो इनके सफिक्स हमें मेन अच्छे से याद करने, ठीक है। अब चलते हैं बाकी के ग्रुप्स की तरफ। तो देखिए आगे के हमारे ग्रुप्स कौन कौन से हैं। आगे हमारे पास में है नाइट्राइल, यानी अमाइड के बाद में हम लोग नाइट्राइल को रख रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को बात किस तरह से मैं लिख रही हूँ? ये अलग से नहीं आए हैं, उसी प्रायोरिटी टेबल का पार्ट है, आप लोग अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिखेंगे, अमाइड के बाद नाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए नाइट्राइल का स्ट्रक्चर होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी कार्बन है उसे ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ इसके लोन पेयर प्रेजेंट है और इस कार्बन से यहाँ जुड़ेगा, कंपल्सरी नहीं है। आइसोनाइट्राइल भी एक कंपाउंड होता है, ये भी हमें फंक्शनल ग्रुप में मिलता है, मैंने यहाँ उसे मेंशन नहीं किया है क्योंकि जब लोग IUPAC नेमिंग देखेंगे हर कंपाउंड की तो हम लोग उसकी भी देख लेंगे, ठीक है, वो इतना हमें नहीं मिलता। तो उसके अंदर नाइट्रोजन से जुड़ता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, कार्बन भी जुड़ सकता है, कार्बन जुड़ेगा तो नाइट्राइल, नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसोनाइट्राइल। आई बात समझ? प्रीफिक्स इसका होता है साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल, दोनों ही यूज आते हैं क्योंकि ये अब प्रायोरिटी में थोड़े नीचे आ गए हैं तो इनके प्रीफिक्स यूज आने की प्रायोरिटी थोड़ी बढ़, सॉरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है ना, तो साइनो प्रीफिक्स है और नाइट्राइल सफिक्स है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी ये हमारे एल्काइल चेन से कार्बन आके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगला ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे एच जुड़ेगा, ठीक है। इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल या फॉर्माइल और सफिक्स होता है इसका अल। इन जनरल केस कार्बन डिहाइड जब हमारे पास में ये सी एच ओ, देखो इसको हम लोग जनरल कैसे लिखेंगे, सी एच ओ लिखेंगे, तो ये सी एच ओ ग्रुप अगर दो से ज्यादा है तो हम लोग कार्बन डिहाइड का यूज करते हैं सफिक्स में, अल का यूज नहीं करते, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है इसका सी एन एच टू एन प्लस वन सी एच, ठीक है। अगला है कीटोन, कीटोन में हमारे पास में यहाँ भी एक एल्काइल चेन जुड़ेगी, यहाँ भी एक एल्काइल चेन जुड़ेगी और ये ग्रुप बीच में रहेगा हमेशा, हमेशा ये बीच में रहता है। क्या ग्रुप है ये? सी डबल बॉन्ड ओ, दैट्स इट, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। ये भी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। किस, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? कार्बोनिल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप का ये नाम है, ठीक है। प्रीफिक्स इसका होता है ऑक्सो और सफिक्स होता है इसका ओन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन अगेन एंड सीओ जुड़ जाएगा, सी ओ मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये सीओ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड वाला नहीं है क्योंकि वहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास में और एक बॉन्ड से वो रिंग से जुड़ेगा बेसिकली। अल्कोहल बहुत ही फेमस, OH इसका स्ट्रक्चर है, मतलब OH ग्रुप है इसका, बेसिकली ग्रुप OH है, ठीक है, यहाँ से ये जुड़ जाएगा। हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स है और ओल ओ एल ओल इसका सफिक्स है। जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच, ठीक है। थायोल ये भी इतना पॉपुलर नहीं है और अब तो ये प्रायोरिटी में भी नीचे तो इसकी इज्जत भी नहीं है। थायोल एस एच इसका फॉर्मूला है, मरकैप्टो, मरकैप्टो इसकी प्रीफिक्स है और थायोल इसका सेम थायोल इसके जैसा सफिक्स है, आर एस एच सल्फर इसमें प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। अमाइन, अमाइन तीन टाइप के मिलेंगे हमें, एन एच टू, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एन एच
और दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो एन। ये तीनों अमाइन के पार्ट हैं, टाइप हैं, तीन टाइप से अमाइन मिलते हैं हमें, ठीक है। आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं बता रही हूँ तीन टाइप के अमाइन मिलते हैं, तीनों की नेमिंग अलग होती है, तीनों के प्रीफिक्स अलग होते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ अमाइनो यहाँ पे मेंशन किया है, आगे जो हम लोग देखेंगे अमाइनो बेसिकली एनएच टू का है, ठीक है, एनएच का और एन का, ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग इनकी स्पेसिफिक सबके एक एक की नेमिंग करना सीखेंगे। तो एनएच टू अमाइनो, अमाइनो जो है वो एनएच टू का है, और एनएच भी प्रेजेंट होता है, एन भी प्रेजेंट होता है, ये तीनों अमाइन के पार्ट है, सफिक्स तीनों का अमाइन होता है, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला आर एन एच टू, और एन एच और एन के केस में हाइड्रोजन हटते जाएंगे और आर जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीन आर जुड़ जाएंगे, यहाँ दो आर जुड़ेंगे और यहाँ पे एक ही आर जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट आ जाते हैं छह, हमारी प्रायोरिटी टेबल के अंदर यहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब अगलों पे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास है बाकी के पांच बचे हुए, ये इनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप में इनको काउंट नहीं किया जाता, वैसे इनके काम सारे वही होते हैं, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट करके आते हैं, ठीक है। और इनके प्रीफिक्स हम लोग प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, सफिक्स हम लोग इतने यूज नहीं करते। पहला आता है इसमें एल्काइन और दूसरा है एल्कीन। अब इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली एल्काइन को हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं और नाम के पीछे इसी का सफिक्स जुड़ता है, नाम के पीछे इसी का नाम जुड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं, वो केसेस कौन से होते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि एल्काइन ज्यादा केसेस में ऊपर रहता है, एल्कीन नीचे रहता है, ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, बट ये एब्सोल्यूट केस नहीं है। एल्काइन का स्ट्रक्चर सी ट्रिपल बॉन्ड सी हमने जाना था पिछले वीडियो में, प्रीफिक्स इसका होता है आयनाइल, आयनाइल या आयनिल व्हाटएवर, बट इसका प्रीफिक्स का हम लोग यूज करते नहीं है। सफिक्स इसका होता है आइन, जाना था हम लोगों ने। सी एन एच टू एन माइनस टू फॉर्मूला भी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। एल्कीन है इसका सी डबल बॉन्ड सी इसका स्ट्रक्चर है, इनाइल आई थिंक इनाइल इसका प्रीफिक्स है, इन इसका सफिक्स है, और सी एन एच टू एन इसका फॉर्मूला है। एल्काइल हैलाइड एक्स, एक हैलोजन आके जुड़ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। एक्स हैलोजन कौन कौन से, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन चारों, ठीक है। हेलो यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स में ही जुड़ता है, इसका सफिक्स होता ही नहीं है, यानी कोई भी कंपाउंड हो ये तो प्रीफिक्स ही आएगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में। सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स आके जुड़ गया, ठीक है। इथर ओ आर, पहले था सी ओ ओ आर, अब सी ओ ओ नहीं है, डायरेक्ट आर से ओ आर ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। एल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स होता है और ईथर इसका सफिक्स होता है। ईथर बेसिकली हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं, लेकिन उन कंपाउंड के अंदर जिसमें सिर्फ ईथर प्रेजेंट है उसमें हम लोग कॉमन नेम में ईथर यूज कर लेते हैं। आईयूपीएसी में हम लोग एल्कोक्सी यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला इसका आर ओ आर होता है, यहाँ पे आर ओ आर डैश भी हो सकता है, दोनों एल्काइल चेन डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है। अगला है नाइट्रो, सबसे कम प्रायोरिटी इसी की होती है। एनओ टू इसका फॉर्मूला है एनओ टू, नाइट्रो इसका प्रीफिक्स है, सफिक्स इसका होता ही नहीं, आर एन ओ टू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप्स, उनके प्रीफिक्स, उनके सफिक्स, उनके स्ट्रक्चर और उनके जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई किस तरह से, किस प्रोसेस से हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग स्टार्ट करें। तो बेसिक से सीखना चाहता है तो जरूर हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।